खेती कानूनों के विरोध में किसानों वालों दिए गए देशव्यापी रेल रोको प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। दोपहर 12 बजे तो लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में किसानों वालों रेलों को रोका जाएगा। किसानों के रेल रोको प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली यूपी हरियाणा में सुरक्षा के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। उधर बिहार में जन अधिकार पार्टी वालों रेलां रोकिया गई ने। पेट्रोल डीजल दी कीमतों में वाधा लगातार जारी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगातार 11वें दिन है, डीजल की कीमत में लगातार 10वें दिन वाधा होया है। राजधानी दिल्ली में डीजल 80 रुपए तो पार हो चुका है, जबकि पेट्रोल 90 रुपए के करीब है। दिल्ली में आज भाव की 18 फरवरी को डीजल 80.27 रुपए प्रति लीटर तक विक रहा है, जबकि पेट्रोल 89.88 रुपए प्रति लीटर है। तेल मार्केटिंग कंपनियां ने आज पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 32 पैसे प्रति लीटर का वाधा किया है। किसान अंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे वालों दिए गए रेल रोको के सद्दे के मद्देनजर दिल्ली पुलिस वालों सख्ती की गई है और जगह जगह से बैरीकेडिंग करके दिल्ली में आने वाले हर वाहन की बारीकी के जांच की जा रही है। ये नाके पुलिस वालों पिंडों के रास्तों में भी लगाए गए हैं। नगर कौंसल जगराओं के नतीजों तो बाद लुधियाना तो फिरोजपुर मुख मार्ग जाम करन अते कोविड 19 संबंधी हिदायतों की उलंघना करन दे दोष हेठ विरोधी धिर दे उप नेता बीबी सरबजीत कौर मनोके समेत 13 होर व्यक्ति अते जगराओं सिटी पुलिस वालों मामला दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार वालों ननकाना साहिब जाने वाले सिख यात्री जत्थे नूं वीजे मिलन दे बावजूद पाकिस्तान जाने की इजाजत ना दिते जाने कारण श्रद्धालुओं विच भारी रोष पाया जा रहा है। आज जत्थे नाल जाने लई श्रोमणी कमेटी दफ्तर पुजे कुछ श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान स्थित गुरुधामा के दर्शन करन अते शहीदी शताब्दी विच शामिल होने लई तैयारियां कीतियां होईयां सन, पर केंद्र सरकार वालों ऐन मौके ते पाकिस्तान जान देने की प्रवानगी ना देने कारण उन्हां दे मनां नूं भारी ठेस पहुंची है। श्रद्धालुओं ने मोदी सरकार दे सिख विरोधी वतीरे की सख्त निखेधी की है। आज कस्बा चौगावा विखे एक निजी स्कूल नेड़े दो गड्डियां दे विचकार आमो सामने टक्कर विच इक दे जख्मी होने की खबर मिली है। जानकारी अनुसार एक गड्डी स्कूल स्टाफ दी सी जो कि अमृतसर तो आ रही थी, संघनी धुंध होने कारण एक गड्डी दूजी गड्डी विच जो कि लोपोके वालों आ रही थी उसके नाल जा टकराई, जिस विच सवार नौजवान राजू गंभीर जख्मी हो गया। देश भर के पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,881 नवे केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के सकारात्मक केसों की कुल गिनती 1,09,50,201 सी। 101 नवीं मौतों के बाद मौतों की कुल गिनती 1,56,014 हो गई है। देश में हुण कोरोना के सरगर्म मामलों की कुल गिनती 1,37,342 हो गई है और ठीक हुए मरीजों की कुल गिनती 1,06,56,845 है। किरण बेदी के स्थान पर पुडुचेरी के लिए तमिलसाई सुंदर राजन ने उप राजपाल वजो हल्फ चुकया है। किरण बेदी को उप राजपाल के अहुदे तो हटा दिया गया सी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित लड़के की मौत का मामला भगता जा रहा है। बुधवार को असोहा के खेतों में तीन नाबालग लड़के शकी हालत में मिले सन, जिन्हों दो की मौत हो चुकी थी जबकि एक इलाज अधीन है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और होर विरोधी दलों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। मोहाली तो खबर सामने आई है कि स्थानक चोणों में जिते उम्मीदवारों को प्रशासन वालों जारी किए गए जेतू सर्टिफिकेटों उत्ते मिति 26 फरवरी 2015 पाई हुई है। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।